नाज़रीन टीवी टुडे 24 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कमिश्नर की टास्क फोर्स ने कत्ल की साजिश के केस का सुराग लगाया और रॉडी शीटरों को इसलाह समेत गिरफ्तार किया। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जोन की टीम ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई और मुलजिमान के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 5 लाइफ राउंड, 4 चाकू, 1 टू व्हीलर गाड़ी जब्त की है जो कत्ल की साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। गिरफ्तार शुदा मुलजमीन की शिनाख्त शेख इरफान अहमद उर्फ शूटर इरफान, उम्र 27 साल, जो कि पेशे से ड्राइवर और किस्मतपुरा राजेंद्र नगर के रिहायशी है। मोहम्मद आरिफ डॉन उर्फ यासिर डॉन, उम्र 27 साल, पेशे से वेल्डिंग का काम करते हैं और चेरवू काली मंदिर के रिहायशी बताए गए। मोहम्मद अकबर पाशा उर्फ तबर अबू, उम्र 28 साल, जो कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियन है, मोहम्मद नगर बारापुर, रॉडी शीटर मादानापेट पीएस। सैयद अब्दुल रहीम खिजर याकूबी उर्फ खिजर, उम्र 23 साल, जो कि मदनी होटल में कारकुन है और इंजन बॉली दबीरपुरा दरवाजे के रिहायशी बताए गए। शेख इस्माइल आदिल, उम्र 27 साल, जो कि बगदाद कॉलोनी लंगर हाउस हैदराबाद के रिहायशी है। पुलिस ने इनके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, लाइव राउंड 5, 4 बड़े चाकू, 2 आयरन रॉड, 1 ब्लैक एक्टिवा, 1 रेडमी नोट 12 प्रो सेल फोन को जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबको नमस्कार। आज कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें 5 अक्यूज्ड हैं। 4 लोगों को साउथ ईस्ट टीम ने वेपन्स और ये एमिनेशन जो आप देख सकते हैं, ये नाइव्स, एक कंट्री मेड पिस्टल, 5 लाइव राउंड्स, इन सब के साथ पकड़ा है। एक्चुअली इशू ये है कि इन चारों ने कॉन्स्पिरेसी बनाया था। शेख इरफान अहमद, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अकबर पाशा, सईद अब्दुल रहीम, इन चारों का कॉन्स्पिरेसी था कि एक और रॉडी शीटर है माई नेम शेख इस्माइल, इसका मर्डर करना है, कत्ल करना है। ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी इन्होंने प्लान आउट किया था। सो ये शेख इस्माइल भी रिसेंटली जेल से रिलीज़ होके आया है। इसके ऊपर भी जनवरी में मर्डर केस में इन्वॉल्व था। एक और राउडी शीटर था बालापुर का, मुबारक सिगार, जिसका मर्डर जनवरी में हुआ है बालापुर एरिया में, और उस केस में ये इन्वॉल्व था। तो ये लोग उस टाइम पर जो विक्टिम थे उसके एसोसिएट्स हैं अभी इस केस के अक्यूज्ड। सो उस रिवेंज को लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाया, ये सारे वेपन्स प्रोक्योर किए। सो ये चारों को साउथ ईस्ट टीम ने डिटेक्ट किया है लोकल पुलिस के साथ, और अभी इनके ऊपर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।